तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मीन्स यहां पे मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना है। तो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्ट वे है। तो जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड, तो ये कई लोगों का फंड होता है, मीन्स कई लोगों का पैसा होता है जो कि आप किसी कंपनी को देते हो और वो कंपनी उस पैसे को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, जो भी आप कह लो, उसमें इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो भी फंड इकट्ठा होता है वो एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में खुद से इन्वेस्ट ना करके किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि इसमें कोई एक फंड मैनेजर होता है जिसको कि स्टॉक मार्केट की कंप्लीट जानकारी होती है। उसको पता होता है कि कब किस शेयर को खरीदना है, कब किस शेयर को बेचना है, क्योंकि जो नॉर्मल जॉब करते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम टू टाइम जाके स्टॉक मार्केट में देखे कि किसका प्राइस डाउन जा रहा है, किस कंपनी का प्राइस अप जा रहा है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जिसका कि कंप्लीट काम ही है कि वो दिन भर स्टॉक मार्केट में नजर रखेगा और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के उसको ग्रो करेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और तो और, म्यूचुअल फंड के केस में रिस्क कम करने के लिए यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है, मीन्स अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। मीन्स मान लो अगर आप किसी एक कंपनी में पैसा डालते हो और वो लॉस में चला जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप चार पांच कंपनी में लगाते हो तो अगर एक कंपनी में लॉस होता भी है तो दो तीन कंपनी है जो कि उसको कंपनसेट कर सकता है, मीन्स उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आपका रिस्क मिनिमाइज होता है। तो यहाँ अब हम कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ग्रो अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रो पे अकाउंट बना हुआ नहीं है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और तो अगर आपको ग्रो के अकाउंट को ओपन करने में कोई दिक्कतें आती है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस दिखाया था कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पिन एंटर करके लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे आपको बॉटम में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मैं इस सेक्शन में आ जाता हूँ। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में दो ऑप्शन मिल जाता है, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड। एक्सप्लोर जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, मीन्स इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। और जिस भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे आपको वो डैशबोर्ड में दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉपुलर म्यूचुअल फंड शो किया जाता है ग्रो द्वारा। तो यहाँ पे आपको चार पॉपुलर म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आप नाम देख पाओगे कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसकी रेटिंग कितनी है, तो मैक्सिमम रेटिंग 5 होती है, और पिछले 3 सालों में कितना एनुअल रिटर्न दिया है इसने। तो इस केस में यहाँ पे 25.18% है जो कि 3 ईयर का रिटर्न है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलेक्शन दिख जाता है। तो कलेक्शंस में यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है, जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड जिसमें कि आपको रिटर्न हाई मिलता है लेकिन इसमें रिस्क भी हाई होता है। दूसरा है जिसमें आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने पर मंथ 10,000 रुपीज किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है तो उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे, जिसमें कि आप पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो। और दूसरा होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मीन्स आपने एक बार में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जितना भी आपके पास पैसा है वो आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसे छोड़ सकते हो अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करके। इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी दिख जाता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड दिख जाता है। लार्ज कैप मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को स्टॉक मार्केट मीन्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया के बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो इसमें वो सारी म्यूचुअल फंड कंपनी आ जाएंगी जो कि मीडियम साइज के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस टाइप की म्यूचुअल फंड कंपनीज ज़्यादातर पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट मिल जाता है, ऑल म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का नाम दिख जाता है, उसकी रेटिंग दिख जाती है, कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में वो दिख जाता है हर म्यूचुअल फंड कंपनी के सामने। आप चाहो तो 5 साल का भी रिटर्न देख सकते हो, आप चाहो तो 1 साल का भी रिटर्न देख सकते हो। जैसे कि इस कंपनी को 1 साल में
0.49% का नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरा म्यूचुअल फंड देखा जाए तो उसमें 11.19% का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे जो तीसरा म्यूचुअल फंड कंपनी है इसमें 18.19% का प्रॉफिट हुआ है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है, और आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो डिपेंड करता है कि आपका फंड मैनेजर कितना एक्सपर्ट है सही कंपनी को आइडेंटिफाई करने में। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी पे डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो, सी ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनीज का। इसके अलावा मान लो मैं यहाँ पे किसी पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके सारी डिटेल को चेक करके बताता हूँ कि क्या क्या आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको नाम तो दिख ही जाता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी में रिस्क हाई है या फिर लो है। तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है, और लो रिस्क म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको रिटर्न भी कम मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी में ये इन्वेस्ट करता है, मीन्स कंपनी के शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि ये हर टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मीडियम साइज की कंपनी हो या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। तो ये हर टाइप की कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आपको 3 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिख जाता है, यहाँ पे आपको 1 डे का इसका रिटर्न दिख रहा होगा कि एक दिन में कितना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। यहाँ पे आप इसका चार्ट देख सकते हो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कि कितना कितना रिटर्न मिला है। और अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा होगा तो जैसा उसका चार्ट होता है जिसमें कि आपको पता चलता है कि किसी टाइम स्टॉक प्राइस कितना बढ़ा था, कितना घटा था और उसका स्टॉक प्राइस कितना था, उसी तरह से यहाँ पे आपको NAV का ग्राफ मिल जाता है। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स जितना इस कंपनी के पास एसेट है डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स इसने बाय किए हुए हैं अलग अलग कंपनीज के, नेट एसेट वैल्यू। तो ये अगर आपका बढ़ता है तो मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये अगर यहाँ से घटता है तो आपको नुकसान हो रहा है। इस चार्ट से भी आप मॉनिटर कर पाओगे। इसके अलावा आज के दिन मीन्स प्रेजेंट टाइम में इसका कितना NAV है वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को कितना रेट किया गया है वो दिख जाएगा, 5 रेटिंग है जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पे आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो, मीन्स आप कितना मंथली मिनिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो दिया हुआ है 1000 रुपीज। यहाँ पे इसका फंड साइज कितना है वो दिख जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने परसेंट लोग SIP कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पहले ही आपको बता दिया। SIP मीन्स मंथली सिस्टमेटिक वे में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वन टाइम मीन्स आप वन टाइम में ही आपने बड़ा अमाउंट लगा दिया या फिर अपने हिसाब से जो भी अमाउंट है वो आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया अच्छे रिटर्न के बारे में सोच के। तो ज़्यादातर लोग SIP करते हैं, मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं 93.28%, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कम हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिल जाता है बेस्ड ऑन इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे। ये आपको बता देगा कि कितना इन्वेस्ट अगर आप मंथली करते हो तो कितना रिटर्न आपको मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं मंथली अगर 5000 इन्वेस्ट करता हूँ और एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो एक साल में 12 मंथ्स होता है, तो 12 × 5 तो एक साल में मैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी में 60,000 दूंगा और कितना मुझे प्रॉफिट और लॉस होगा वो दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 साल का देखूँ तो 3 साल में मैं 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 दूंगा, जो कि मेरा 2.5 लाख के आसपास बन जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में 1 साल में हो सकता है मुझे नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ये प्रॉफिट देने वाला है। वैसे मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको इसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बस यहाँ पे आपको डेमो दे रहा है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप 3 साल में 3,60,000 इन्वेस्ट करोगे, जो कि आपका 5 लाख के आसपास बन जाएगा। और अगर आप 10,000 पर मंथ 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप 5 साल में टोटल इसको 6 लाख रुपया दोगे और ये उसको लगभग 10 लाख रुपये में कन्वर्ट कर देगा, 9,89,000, अप्रॉक्स 10 लाख कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके रिटर्न कैलकुलेटर को यूज करके किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी का रिटर्न भी अनुमान लगा सकते हो। तो ये बेस्ड ऑन पास्ट डेटा आपको कैलकुलेट करके बताता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिटर्न रैंकिंग, पीयर कंपैरिजन ये दिख जाता है, मीन्स इसी टाइप के जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उससे यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताया जाता है जो भी इसके कंपटीटर है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके होल्डिंग्स को देख सकते हो, तो होल्डिंग्स बताता है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किस किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना कितना परसेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने टोटल 28 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे इसके टॉप 10 होल्डिंग्स आपको दिख जाएंगे, आप वो लिस्ट भी देख सकते हो सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा ITC लिमिटेड कंपनी में लगाया हुआ है।
मीन्स टोटल एसेट का 9.18% सिर्फ एक कंपनी में लगाया हुआ है, और उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, जो कि 7.42%। इसी तरह से आप देख पाओगे इसके कंप्लीट पोर्टफोलियो को कि किसमें किसमें कितना कितना पैसा इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी ने लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स दिख जाएंगे इस म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो समझ लेते हैं। मीन्स आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को कुछ पैसा दिया ताकि वो उसको शेयर मार्केट में लगा के आपको अच्छा रिटर्न दे सके, तो यहाँ पे उसके बदले में वो आपसे पर ईयर कुछ चार्ज लेगा। फ्री में तो कोई आपके लिए कुछ काम करेगा नहीं, तो उसमें वो आपसे कुछ चार्ज करेगा। तो जो भी आप फंड दोगे उसके परसेंटेज में वो आपसे चार्ज करेगा। मीन्स मान लो आपने एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपया म्यूचुअल फंड में एक साल में इन्वेस्ट किया है, तो वो आपसे 0.79% चार्ज करेगा। 1,00,000 का 0.79% 790 रुपीज हो गया। तो ये हर कंपनी का अपना अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, किसी का 1.5 होता है, किसी का 0.5 होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जिट लोड भी देखने को मिल जाता है। तो एग्जिट लोड, जैसा कि इसका नाम है, ये एक चार्ज है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा लिया जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप विद इन 65 डेज एग्जिट कर रहे हो या फिर आप बिफोर 730 डेज एग्जिट कर रहे हो, उसके केस में अलग अलग परसेंटेज है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टाम्प ड्यूटी मिल जाता है जो कि है 0.005%। ये चार्जेस अप्लाई किया गया है 1 जुलाई 2020 से, तो ये स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्स भी दिख जाएगा कि कितना कितना परसेंट आपको टैक्स लगने वाला है आपके रिटर्न पे, डिपेंडिंग अपॉन कि कब आप म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करते हो, वो भी यहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हो हर म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद फंड मैनेजमेंट दिख जाता है कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, मीन्स इसका मैनेजर कौन है जो पैसे के ट्रांजेक्शन को देखता है, किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, किस कंपनी के शेयर को बाय करना है, किस कंपनी के शेयर को सेल करना है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड मैनेजर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अलग अलग फंड मैनेजर के बारे में गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है वन टाइम और मंथली SIP, मीन्स आप वन टाइम पैसा लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे अगर मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो डेटा से आपने देखा था कि ज्यादातर लोग मंथली SIP कर रहे हैं, लगभग 93% इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में। तो मंथली SIP करने के लिए सिंपली आपको मंथली SIP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इंटर कर देना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं 1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक छोटा अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ डेमो के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हो कि हर मंथ आप किस तारीख को इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहते हो, मीन्स पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मान लो आप कोई सैलरी एम्प्लॉयड हो, मीन्स किसी कंपनी में काम करते हो और आपको तनख्वाह महीने की आखिरी तारीख 30 या 31 तारीख को आ जाता है, तो आप 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके कन्फर्म कर लोगे और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, गूगल पे, फोन पे और UPI का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम OTP भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पे आपको इंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो हर मंथ ऑटोमेटिक पेमेंट भी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आपके पास पेज ओपन होके आ जाता है। तो ऑटो पे सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हर मंथ उस स्पेसिफिक डेट को जो आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएगा और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हो और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। बाद में भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स इन प्रोग्रेस दिख जाएगा, तो जो भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है SIP के लिए यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना ऑर्डर स्टेटस देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, ग्रो प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे अब मुझे यूनिट एलोकेट किया जाएगा, मीन्स NAV, नेट एसेट वैल्यू। और जैसे ही आपका NAV कन्फर्म हो जाता है यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिख जाएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट अमाउंट दिख जाएगा, और जो भी टोटल प्रॉफिट लॉस रिटर्न में आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।